क्या हो अगर तुम एक ऐसे वर्ल्ड में स्पॉन हो जहाँ पे सिर्फ बेडरॉक हो? बेडरॉक को अगर ट्राई करोगे तोड़ने का तो चाहे बूढ़े हो जाओ पर बेडरॉक नहीं टूटने वाली है। मैं ट्राई करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट बेडरॉक ओनली वर्ल्ड। क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा? तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो यहाँ पे कर दिया था मैंने वर्ल्ड गियर सब्सक्राइब नाम से, तो जब जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर दो। तो यहाँ पे हमारा वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है एंड ये था डे 1। एंड इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना डिफिकल्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि चारों तरफ बेड रॉक है, रिसोर्सेज बहुत कम है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत वुड तोड़ी फटाफट ताकि मैं कुछ क्राफ्ट टेबल बना सकूँ एंड कुछ टूल्स बना लिए मैंने। तो मैंने पहले एक्स बनाई एंड फटाफट पता नहीं आयरन गोलम को किसने मार दिया क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आयरन चाहिए था लालची। इसके बाद में मेरे को 5 आयरन गेट मिल गए भाई, पता नहीं क्यों ही दिए आयरन गोलम भैया ने, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा मिल गए। फिर काफ़ी सारा स्टोन इकट्ठा करना स्टार्ट किया, फिर मैंने एक स्टोन की पिकेक्स बना ली। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था तो एक बेड भी चुरा लिया विलेजर्स का, तो फ्री का मॉल तो सब ले लेते हैं। फिर यहाँ पे ये काउ मिल जाती है जिसको मारना पड़ता है। फिर इस चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा खाना चुरा लेता हूँ क्योंकि क्या करेंगे विलेजर्स खाना खा के, मैं ले जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को मिलता है पोपलू एंड पोपलू को मैं थोड़ा बहुत खाना खिला देता हूँ एंड अपने पीछे लालच देके इसमें ले आता हूँ ट्रैप में। एंड या अब से पोपलू अपना हो गया है एंड ये यहीं पर रहने वाला है। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत स्लाइम वगैरह को मारता हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी यही होने वाली है कि स्लाइम्स बहुत ज़्यादा स्पॉन होंगी एंड यहाँ पर तो मैं बाल बाल बचता हूँ क्योंकि ये स्लाइम्स तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। और उसके बाद में फिर मैं थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो यहाँ पे विलेजर्स का मैंने खाना भी चोरी कर लिया पर ही फार्मर एमरल्ड के बदले में कुछ नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो एक फ्लेचर भी है, तो फिर मैंने बहुत सारी वुड तोड़ी इन्हीं विलेजर्स के घर से। के बाद में मैंने बनाई कुछ स्टिक्स एंड काफ़ी सारी स्टिक्स के बाद में मैंने फ्लेचर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड ट्रेडिंग करते करते मेरे को बो भी मिल गई एंड एरो भी ले लिया मैंने। इसके बाद में मेरे और ट्रेडिंग की एंड मेरे पास स्टिक्स ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा नेक्स्ट विलेज में चलते हैं, तो उससे पहले अपने को और डर्ट वगैरह चाहिएगी क्योंकि डर्ट काफ़ी ज़्यादा कीमती है इस वर्ल्ड में। तो मैंने इस विलेज की काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरी ही डर्ट साफ कर दी। अब यहाँ पर पोपलू को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पोपलू तेरे को मैं लेने वापस पक्का आऊँगा। तो यहाँ पर मेरे को रात हो गई थी एंड मेरे को एक और विलेज मिल गया था तो इस विलेजर की जगह पे मैं सो गया। नेक्स्ट डे उठ के मेरे को आयरन गोलम दिखा एंड पता नहीं ये आयरन गोलम को खून मार के भाग जा रहा है आजकल, तो ये आयरन गोलम भी मर गया। तो यहाँ पे इस आयरन गोलम को मरा हुआ देख के मैंने इसका आयरन लूट लिया एंड उधर थोड़ी दूर मेरे को एक क्रीपर दिख रहा था जिसपे मैंने निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने के बाद में थोड़ा बहुत मेरा ईगो सेटिस्फाई हुआ। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा पोटेटो यहाँ से ले लिए एंड एप्पल, लेकिन एक बाद में मैं चला गया थोड़ा बहुत विलेज एक्सप्लोर करने। एंड यहाँ पर मेरे को लेदर की कैप मिल गई, तो कैप भी पहन के मैं काफ़ी ज़्यादा सोना लग रहा था। फिर इस आयरन गोलम को भी मिल गया, तो यहाँ पे बो और एरो को मैं जैसे यहाँ पे इसको भी मार दिया एंड आयरन की तो कोई कमी नहीं है, 2 आयरन गोलम दिखे उसको ही मार दो। एंड पता नहीं इस आयरन गोलम को भी किसने मारा बट फिर भी हमें आयरन तो मिल ही गया, हमें आयरन से लेना देना है। तो यहाँ पे इस चेस्ट में मेरे को एमरल्ड्स मिल जाते हैं एंड ब्रेड वगैरह एंड काफ़ी ज़्यादा सही लूट मिल जाती है। इसके बाद में मैं सोचता हूँ यार अभी मुझे और भी चीज़ें चाहिएंगी, तो फिर मैं देखने लगता हूँ। तभी मेरे को यहाँ पे एक और आयरन गोलम दिखता है, तो उसको भी मैं मार देता हूँ। क्या करूँ मतलब इतना ज़्यादा जालिम इंसान हूँ। फिर यहाँ पे लाइब्रेरी ने एक्का इन्फिनिटी दे रहा था एंड यहाँ पे मेरे को एक आयरन स्मिथ मिल जाता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना यार जाके यहाँ पे अपने को और माल पानी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक आयरन की एक्स बना लेता हूँ और, क्योंकि पहले वाली मेरी टूट चुकी थी, पिकेक्स भी बना ली मैंने एंड यहाँ पे अपने को ऑब्सीडियन मिल गया एंड वाह मतलब माला माल हो गए वहाँ से। फिर यहाँ पे मेरे को पोपलू के लिए एक दोस्त मिल गया, भूल गया था मैं पोपलू कहाँ पे है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी विलेज में अपना बनाया जाए। तो इन दोनों को मैंने ब्रीड करवाया एंड साइड वाले जो विलेजर का घर था उसको पूरा पूरा मैंने साफ कर दिया। यहाँ पे मेरे को याद आया कि मेरे पास लावा भी है तो मैं तो जनरेटर भी बना सकता हूँ, बट ये बात तो मैं पहले भूल ही गया था। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा सैपलिंग्स वगैरह लगा दी ताकि मेरा फार्म बढ़ जाए क्योंकि वुड के अलावा तो और कोई रिसोर्स है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे मैंने अपना कोबलस्टोन जनरेटर बनाना स्टार्ट किया एंड बीच में ये स्लाइम्स वगैरह तो आती रहती हैं परेशान करने के लिए। एंड यहाँ पे जब मैं पानी डाल रहा था तो बाल बाल बच गया, वरना मैं कब का मर भी सकता था यहाँ पे।
उसके बाद में मैंने पानी में डाला एंड अपना कोबलस्टोन जनरेटर काम नहीं करने लग गया। तो फिर इसके बाद में अपने को चाहिए थी स्लाइम को मारना था कुछ, क्योंकि स्लाइम वगैरह तो मेरे पे काफ़ी ज़्यादा हमला कर रहे थे, तो इसीलिए इस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी मेरे को सर्वाइव करने में। एंड फिर मैंने एक चेस्ट बनाई एंड अपना जो भी सारा सामान था जो मुझे नहीं चाहिए होता है वो सारा मैंने उसमें डाल दिया। एंड उसके बाद में मैंने अपना फूड फार्म बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अपना फूड फार्म बन चुका था एंड मुझे चाहिए थे कुछ कोबलस्टोन, तो मैंने बहुत सारे कोबलस्टोन तोड़े काफ़ी दिनों तक। काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन होने के बाद में मैंने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया एंड देख सकते हो कितने ज़्यादा कोबलस्टोन हो गए हैं अपने पास। तो मैंने एक आयरन की चेस्ट प्लेट भी बना ली एंड काफ़ी ज़्यादा मैं आयरन में भर चुका था, पर मेरे पास अभी भी आयरन की कमी थी एंड मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी फर्नेस रखी, थोड़ा बहुत खाना ग्रो किया ताकि मेरे को भूख के बारे में मर ना जाऊँ कहीं पर। एंड यहाँ पर इसके साथ में मैंने ट्रेडिंग की एक आयरन एक्स की, उसके बाद मैंने थोड़े बहुत पेड़ वगैरह काटे क्योंकि मुझे चाहिए थे काफ़ी ज़्यादा वुड वगैरह। एंड यहाँ पर मैंने स्मेल्ट करने के लिए दिए कोबलस्टोन जितने भी मेरे को मिले थे एंड और भी जितनी ओक वुड थी वो सारी सारी लगाई। एंड फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया अपना ट्री फार्म। अब ये ट्री फार्म काफी ज्यादा अलग है क्योंकि ऐसा ट्री फार्म तुमने कभी नहीं देखा होगा। अभी यहाँ पर अपना ट्री फार्म बन के कम्प्लीट हो चुका था एंड मुझे कुछ आयरन की जरूरत थी, तो मैं आयरन गोलम भैया के पास आ गया। उसके बाद में मैंने अपना नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे जाना था अब नेदर में, क्योंकि मैं भूल ही गया था कि मेरे पास तो ऑब्सीडियन मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। तो मैंने फटाफट यहाँ पर नेदर पोर्टल बनाया अपना। यहाँ पे मैंने नेदर पोर्टल को लाइट किया अपने क्लासिक तरीके से एंड वुड वगैरह लगा के काफ़ी देर वेट करने के बाद में नेदर पोर्टल लाइट अप हो गया। बट अभी अपने को नेदर के अंदर नहीं जाना था क्योंकि अपने को तो अपना लावा लेके वापस जाना था, क्योंकि लावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरना मेरे पास कोबलस्टोन रहेगा नहीं। फिर उसके बाद में मैं नेदर के अंदर गया। नेदर के अंदर मैं बहुत घटिया बायोम के अंदर स्पॉन हुआ, तो मैं फटाफट जाके थोड़ा बहुत आयरन गोल्ड ढूंढने लगा क्योंकि मुझे गोल्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत गोल्ड मिल गया एंड जब मैं गोल्ड लूट रहा था तो पीछे में पता नहीं क्यों पिगलिन भैया मेरे पीछे पड़ गए एंड उन्होंने हमला कर दिया मेरे ऊपर एंड यहाँ से मेरे को बाल बाल जान बचा के भागना पड़ा। एंड देख सकते हो यहाँ पे 3.5 हर्ट ही बचे मेरे पास, तो फटाफट मैंने आपको कवर किया एंड यहाँ पर मैं बाल बाल बच गया। इसके बाद मैं दोबारा थोड़ा बहुत बाहर निकला एंड दोबारा मैं गोल तोड़ ही रहा था कि एक पता नहीं क्यों मेरे पीछे ये सब पड़ रहे। फिर मैं बच के निकलने की कोशिश कर रहा था, तब मेरे पास अब देख लो भाई कितने हर्ट छोड़े इसने, तो इस रोतू बिल्ली ने तो मेरा यहाँ पे जीना हराम कर दिया था। फिर उसके बाद मैं फटाफट अंदर गया एंड यहाँ पे जैसे ही मैं बंद कर रहा था तो भी इसने फोड़ दिया भाई, पता नहीं क्यों इसको क्या प्रॉब्लम थी। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत नेदर एक्सप्लोर करने लगा एंड नेदर एक्सप्लोर करते करते मुझे काफ़ी सारा गोल्ड मिल गया था यहाँ पे। तो गोल्ड का आप बताइए क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने गोल्डन लेगिंग्स बना ली क्योंकि अपने पास बूट वगैरह तो थे ही बट अपने पास लेगिंग ही नहीं थी। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने क्वार्ट्स भी कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे अपनी क्वार्ट से अपनी थोड़ी बहुत एक्सपी वगैरह भी बढ़ जाएंगी, थोड़ा बहुत और गोल्ड मिला। एंड पता नहीं ये पिगलिन भी है क्यों यहाँ पे नाराज हो गए जैसे मैंने गोल्ड तोड़ा उनके सामने, तो ये मेरे को मारने लग गए, तो मैं फटाफट वहाँ से निकल गया भाई। फिर उसके बाद में मैंने एक पिगलिन भैया को पकड़ा एंड उनके साथ में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वगैरह की, उन्होंने मुझे ऑब्सीडियन और स्ट्रिंग ही दी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लुटेरे थे भाई, मेरा पूरा गोल्ड खा गए पर मेरे को कुछ नहीं दिया। सामने मुझे एक वार्प फॉरेस्ट दिखा तो मैं फटाफट वहीं पर चला गया एंड मैंने काफ़ी सारी वहाँ से वुड वगैरह कलेक्ट की। तो यहाँ पे मैं वो काफ़ी ज़्यादा वुड कलेक्ट करके घर पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे मॉन्स्टर हो गए थे, तो मैं ऊपर छत पे जाके सो जाता हूँ। स्वीट ड्रीम्स।
नेक्स्ट डे उठ के मैं थोड़े बहुत मॉब्स वगैरह को मारता हूँ एंड यहाँ पे क्रीपर वगैरह कितने फटे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि नीचे तो बेडरॉक है भाई, उसको तो तुम तोड़ ही नहीं सकते। एंड यहाँ पे कुछ नंगू पंगू लोग भी घूम रहे थे तो फटाफट मैंने इन सबको मारा यहाँ पे। एंड देन इसके बाद मैंने काफ़ी सारी टोर्चेज बनाई क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे। एंड उसके साथ में मैंने एक वॉल भी बनाने का सोचा क्योंकि वॉल से ही मैं बच सकता हूँ यहाँ पे, वरना यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स या फिर स्लाइम स्पॉन होते रहेंगे एंड वो यहाँ पे मेरे को मारते रहेंगे। यहाँ पे वॉल बनाने के बाद में मैंने सोचा क्यों ना अब अपना अपना घर भी बना ही लेते हैं क्योंकि वॉक फॉरेस्ट से मेरे को काफ़ी ज़्यादा वुड मिल गई थी एंड वो मेरे को मैं अपना घर बनाने में यूज़ करने वाला था। तो यहाँ पे ये गेट है फ्रंट गेट एंड इसके बाद में पीछे की तरफ यहाँ पे जो अपना एरिया है होल टाइप में, तो यहाँ पे मैंने कुछ सीढ़ियाँ बनाई हैं एंड अपने पास ग्लास तो था नहीं तो मैंने विंडोज़ बनाने के लिए कुछ फेंसेज वगैरह का यूज़ किया है। एंड ये साइड से स्टेयर जाती है ऊपर की तरफ आगे की बालकनी एंड साइडों में भी काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो यहाँ पे पता नहीं स्लाइम कैसे स्पॉन हो गया, शायद यहाँ पे मैंने टॉर्चेस लगाना भूल गया था। अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।